कैदियों की पेशी से पहले खूब होती है भागलपुर में खातिरदारी। भागलपुर से फिर एक मामला, कैदियों को होटल में खाना खिलाने का सामने आया, जहां एक एसआई और दो सिपाही मिलकर कैदियों की मेहमान नवाजी में लगे थे। भागलपुर में कैदियों को पेशी से पहले खाना खिलाने का मानो रिवाज बन गया हो। कोर्ट से लगातार कैदियों के फरार होने की घटना पिछले दिनों भागलपुर में सामने आ चुकी है, लेकिन पुलिस है कि सुधरने का नाम नहीं ले रही। घोगा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार अपराधी को पुलिस जेल ले जाने से पहले कोर्ट में पेशी के लिए लाई थी। वहीं यहां पर पुलिस के एक एएसआई और दो सिपाही नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कैदी को कचहरी चौक स्थित एक होटल में ले गए और उसे भोजन करवाते नजर आए। जब हमारे रिपोर्टर की नजर पड़ी तो पहले पुलिस वाले और खाना खाते हुए कैदी चौक गए, फिर आराम से खाना खाने लगे। वहीं जब हमारे रिपोर्टर ने कैदी और एएसआई से पूछा कि यहां खाना खिलाना क्या उचित है, इस पर वो कुछ भी नहीं बताए और वहां से कोर्ट की ओर निकल गए। वहीं सवाल ये उठता है कि पिछले कुछ दिनों में कोर्ट परिसर से कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार होते रहे हैं, उसके बाद भी नियम को ताक पर रखकर इस तरीके से कैदी को होटल में खाना खिलाने का नियम पुलिस मैनुअल में भी नहीं है, उसके बावजूद पुलिस धड़ल्ले से खुद का नियम बनाकर लगातार लापरवाही करती नजर आ रही है। कुछ दिन पहले भी इसी होटल की तस्वीरें खबरों में खूब चर्चा में रही, जिसमें कैदी को मछली भात खिलाया जा रहा था। अब देखने वाली बात यह है कि जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। आप बताइएगा ना, खाना खिलाने का परमिशन है आपको? कैदी है वो, कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होगा? लीजिए। कौन जिम्मेदार होगा भैया? टोपी दे दीजिए। मैं